नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भड़ास.com। आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। आइए जानते हैं हम आज के भड़ास में, इस एपिसोड में ऑनलाइन शॉपिंग का मामला। ऑनलाइन शॉपिंग से लोग दवा मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, उनके साथ क्या घटना घटती है, आइए जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की भड़ास के द्वारा। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो क्या हुआ, आपने क्या मंगाया था? मैंने मंगाया था बावासीर की दवाई जी। तो उन्होंने मतलब दे दी दूसरी दवाई। कौन सी दवा दे दी आपको? तुलसी सिरप। तुलसी सिरप, खांसी सर्दी की दवा। सर्दी की दवाई। तो कितने कितने रुपए आपने दिए थे ऑनलाइन शॉपिंग करे थे? मैंने दिए थे 2500 रूपए। 2500 रूपए खर्च करके आपको पाइल्स की दवा के बदले खांसी सर्दी की दवा दी गई। क्या कहेंगे आप लोगों को, इस तरह से आप ठगे जाते हैं? बोल रही कि ठगे जा रहे हैं सब लोग को। हाँ। कि कोई ना कोई ऐसी ऑनलाइन दवाई नहीं मंगाना चाहिए, ताकि मतलब लोगों को ठग के पैसे ले जा रहे हो। सीधे साधे लोग मतलब ठगे जा रहे हैं इसमें। दूसरी दवाई दे देते हैं, मतलब बोलो दूसरी दवाई लाके, मतलब दूसरी दवाई बोला कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग से लोग ठगे ही जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी भड़ास ऑनलाइन के प्रति। देश में जिस तरह से मेडिकल व्यवसायी ने कुछ दिनों पहले विरोध प्रदर्शन किया था ऑनलाइन शॉपिंग का, कि मेडिकल लाइन में ऑनलाइन दवा ना बुलाई जाए, उनका सपोर्ट करते हुए पूरे देश के व्यापारियों ने ऑनलाइन की शॉपिंग का विरोध किया था, हड़ताल किए थे, बंद का आह्वान किया था, और पूरे देश के व्यापारियों ने उस बंद का समर्थन दिया था। आपको जिस तरह से 2500 रूपए का चूना लगा, चपत बैठी, ऐसे यदि और किसी को लगे तो कैसा लगेगा? नहीं, किसी को लगना नहीं चाहिए, किसी के पैसे नहीं जाना चाहिए, पैसे नहीं जाना चाहिए। और मतलब किसी ने ऑनलाइन दवाई नहीं मंगाना चाहिए, या तो कोई भी सामान नहीं मंगाना चाहिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग का पुरजोर विरोध करते हैं, ये निकाल रहे हैं भड़ास इस बात की कि 2500 रूपए इनके खर्च हुए, इन्होंने बुलाए थे पाइल्स की दवा, लेकिन इन्हें आ गई है तुलसी सिरप, यानी खांसी और सर्दी की दवा। क्या मतलब है ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग का, यही कहना है इनका। जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग की भड़ास इन्होंने निकाले, इसी तरह से भी आपके पास भी कोई मामले बनते हैं या कोई मामले ऐसे हैं जिसके द्वारा आपको भड़ास निकालना है, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।